कोठे बेटा। हाँ सिद्धि सिद्धि, आप जल्दी में देख रहे हैं, जरा आराम से देखिए, आराम से देखिए, जरा नजदीक का चश्मा लगाइए तो फिर मालूम होगा कि ये चश्मा नजदीक से ही देखने का है बेटा। मैं देख चुका, ये वो कोट नहीं है। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी मदद जरूर की, लेकिन जो कुछ मुझे चाहिए था वो न मिल सका। फिर भी तुमने मेरी बच्चियों की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगा। अरे सेठ साहब, जब असली कोटी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे। चलो भगवू। हाँ चलो। मगर बेटा ये बेकार कोट अपने साथ कहाँ उठाए उठाए फेलोगे। अरे फेंको भी इसे, इसे फेंक दो। सेठ जी, इससे मैं बूट पॉलिश करूंगा, जमीन पोछूंगा, इसको जला जला के चूल्हा लगाऊंगा। इसने हमारी नींद खराब कर दी है, खाना खराब कर दिया, इसे फेंक दूं मैं। चलो भैया चलो। शशि बेटी, वो कोट अपना ही है। फिर आप झूठ क्यों बोले चाचा जी? बोलना ही पड़ता है बेटा, दो आदमियों को पहले ही मालूम हो चुका है, वो अलग जान खाए हुए हैं। अगर इन्हें भी पता चल गया तो ये भी गले पड़ जाएंगे। मगर वो तो ऐसे आदमी नहीं है चाचा जी। मैं जानता हूँ। मिल जाएगा को, ढूंढने से आदमी को इस दुनिया में क्या नहीं मिल सकता। अरे 50 बरस के बाद मिलने से क्या फायदा, अगर इस उम्र में मिलता तो। रहना तो मैं चाहता हूँ, मगर रहने का कोई नतीजा भी तो होना चाहिए। परमात्मा किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करता बेटा। अगर तुम्हारे दिलों में हमारे लिए हमदर्दी का ख्याल है तो नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। तुम यहाँ ठहरो, कोशिश करो।